मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा है। हमने श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल का स्थापना किया है और हम श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल के पूरे परिवार की तरफ से सभी लोगों का प्रणाम करते हैं। आप सभी मीडिया भाइयों लोगों का जो इस हमारे ओपनिंग सेरेमनी को कवरेज करने आए हैं, इस सबके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। सर, ये विद्यालय कितना से कितने क्लासेस बतलाते हैं? जी, अब ये विद्यालय प्ले ग्रुप से लेकर 10th क्लास तक हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसमें अभी हम लोग एडमिशन 6th क्लास तक हम लोग कर रहे हैं, वही क्लास आगे कंटिन्यू होंगे। सर, देख रहे हैं ऐसे ये जो आपका विद्यालय है नगर से काफ़ी ज़्यादा है, क्या लगता है यातायात की सुविधाएं हैं? जी, हम लोग ने पूरे सेफ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की है। विद्यालय का प्रांगण आप लोग देख सकते हैं, इतना ज़्यादा एरिया से जिसमें बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए भी जगह हो, उसके लिए हम लोग को शहर से बाहर आना शिफ्ट होना पड़ा। सर, क्या क्या यहाँ पर सुविधा है छात्रों के लिए? छात्रों के लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट का यहाँ पर सुविधा है। हम लोग सिर्फ रोट लर्निंग नहीं, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, डांस एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एकेडमी सब दे रहे हैं यहाँ पे। सर, कौन क्लास से कौन क्लास तक? क्लास 10th प्ले ग्रुप से क्लास 10th तक हम लोग इस्टेब्लिश किए हैं, लेकिन इस बार हम लोग एडमिशन 6th क्लास तक ही। नहीं नहीं, इसमें मेधावी छात्रों के लिए इस बार हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट लेने वाले हैं, जिसमें अगर फर्स्ट टॉप 3 जो बच्चे होंगे वो फ्री में पढ़ेंगे पूरे साल भर। अगले साल हर क्लास में 3 जो मेधावी बच्चे होंगे वो फ्री में पढ़ेंगे। यहाँ मेधा के जी कितना विद्यार्थी उसमें जो निकलेगा? हर क्लास में 3 बच्चे, हर क्लास में 3 जी। कंप्यूटर कक्षा भी है आपका? जी हाँ, हमारे यहाँ साइंस लेबोरेटरी, मैथ्स लेबोरेटरी और कंप्यूटर लेबोरेटरी भी है, जो सिर्फ जो क्लास 1 से ही बच्चों को इन सब सुविधा दिया जाएगा। सर, आपका जो विद्यालय है आज ओपनिंग हुआ है, शिक्षक सब देखते हैं सर विद्यालय में बड़ा योगदान देते हैं जी, आप शिक्षक कैसा रख रहे हैं? यहीं के लोकल शिक्षक हैं या बाहर के शिक्षक हैं? अनुभव उनका कैसा है, पहले से वो पढ़ाए हुए हैं या फिर इसी स्कूल में आकर पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ इसके बारे में? नहीं, हम लोग जो टीचर रिक्रूट कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस बीएड डीएड किए हुए टीचर हैं, और बच्चों को बाहर का एक्सपोजर भी मिले, इसलिए हम लोग इस प्रांत से बाहर के टीचर को भी हायर कर रहे हैं। देखा जाता है कि केवल 2-3-4 महीना के लिए ही लोग बाहर का टीचर रखते हैं, जब विद्यार्थी सब आ जाता है उसके बाद बाहर वाले को भेज दिया जाता है और यहाँ के लोकल वालों को यहीं रखा जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार आप देखिएगा, अगले साल जो एनुअल फंक्शन भी होगा वहाँ उसमें भी आप आइएगा, वहाँ आपको टीचर दिखाई देंगे। सर, आप कहना चाहेंगे जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको? सब जनता को यही कहना चाहेंगे कि हमने ये स्कूल रक्सौल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, बच्चों को बाहरी एक्सपोजर देने के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये स्कूल की स्थापना की है। आप लोग भी इससे जुड़ें और रक्सौल के शिक्षा में अपना योगदान दें। अच्छा शिक्षा प्राप्त किया है ये लोग, अपना विद्यालय चला रहा है। अब देखिए इसमें कहा जहाँ तक होगा हम लोग अपना सहयोग करेंगे। बतला रहे हैं जैसे शिक्षित बेरोजगार थे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम लोगों का अपना कारोबार है, लेकिन बच्चे का बहुत शौक था कि यहाँ विद्यालय चलाएंगे और अच्छा सा शिक्षा देंगे। यानी आप लोग सबसे पहले आपके चैनल के आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज धनगढ़वा कोड़ियार पंचायत के छोटा टोला मौजे टोला स्थित श्री विद्या निकेतन स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर हम सबों को आने का मौका मिला, जिसका डायरेक्टर धनंजय मिश्रा जी हैं। मैं अपने तरफ से शुभकामना दूंगा कि अच्छा शिक्षा यहां से लोग वो बच्चे को प्राप्त हो, यही उम्मीद और विश्वास के साथ मैं उनको ढेर सारी शुभकामना देता हूं। और मुझे खुशी हुई कि आज हमारे पंचायत में धनंजय जी के द्वारा जो नए इस विद्यालय का जो शुरुआत करने के लिए जो इन्होंने इस जगह का चयनित किया, मैं इनको ढेर सारी शुभकामना देता हूं। मैं अपने तरफ से और मैं अपनी माँ जो मुख्य पार्षद से निर्वाचित हुई है रक्सौल नगर परिषद से, उनके तरफ से भी मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं। वहाँ भैया से है, भैया नहीं लगता है रक्सौल के विकास में शिक्षा का अहम योगदान रहेगा? इस तरह के अगर विद्यालय खुलते हैं
तो कहीं ना कहीं हमारा रक्सौल आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये बच्चों का भविष्य के लिए है। सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा भैया मिश्रा जी को, जो वो ये स्कूल खोला और बच्चे का भविष्य संवारने के लिए खोले हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको और इनके सभी यहाँ शिक्षक लोग हैं उनको। आज विद्यालय का विधिवत तरीके से उद्घाटन हुआ, कुछ कहिएगा आज के दिन। धर्मेंद्र मिश्रा जी बड़े भाई हैं और ये कार्य इनका बहुत ही सराहनीय है। भगवान से ही कामना करता हूँ इस तरह निरंतर आगे बढ़ते रहें और बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करेंगे वो अपना नया भविष्य बनाएंगे, रक्सौल को उज्ज्वल भविष्य देंगे। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।